नमस्कार, फूड लवर मोम में आपका स्वागत है। आज मैं एक हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ रेड अमरंथ की। वो सोलाई भी बोलते हैं और मोरसा भी बोलते हैं, और हम लोग असम में इसको मोरिसा बोलते हैं। उसके लिए इसको पहले हम बारीक काट लिया, और उसके साथ थोड़ा बीटरूट भी बारीक काट लिया। फिर ऑयल में एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला, और उसमें जाएगा मस्टर्ड सीड और जीरा। फिर ये थोड़ा क्रैकल होने के बाद इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन, 2 ग्रीन चिली और थोड़ा गार्लिक चॉप किया हुआ। फिर इसमें आप जिंजर भी डाल सकते हैं, मैंने डाली हूँ। और गार्लिक ये चॉप करके डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसको हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे करके। फिर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। फिर इसको थोड़ा सा ला के इसमें हम अभी बारीक काटी हुई जो लीफी वेजिटेबल है अमरंथ और बीटरूट डाल देंगे। आप सीरियसली इसमें बीटरूट डाल के ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं हमेशा रेड अमरंथ बनाती हूँ तो उसमें बीटरूट फाइनली सॉफ्ट करके डाल देती हूँ। तो फिर इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ये पकने के बाद बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए सॉल्ट आप हमेशा ध्यान से डाल लिए। फिर इसको हम अभी कवर कर देंगे, ये अपना पानी में ही पक जाएगा। गैस को थोड़ा सिम में रख के इसको कवर कर देंगे। ये 10 मिनट में ही ये सब्जी बन जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा। अभी इसको हम कवर कर देंगे गैस को सिम में रख के। फिर वही 5 मिनट्स बाद देखेंगे तो ये थोड़ा कम हो गया है, देखिए हाफ हो गया है क्वांटिटी। इसको थोड़ा चलाएंगे। अभी बीटरूट थोड़ा कच्चा है तो इसीलिए हम इसको और थोड़ा 3-4 मिनट के लिए लगा के फिर ऊपर से इसको हम धनिया पत्ता डालेंगे। अभी ये 3-4 मिनट हो गया है और ये अच्छे से हो गया है, तो इसको ऊपर से थोड़ा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो फाइनली सॉफ्ट किया हुआ है उसको डालेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है। ये तो आप स्टीम राइस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, या पराठा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम इसके साथ दाल और दूसरा फ्राई भी बनाए हैं, तो ये अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो भी शेयर करना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय।